नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रेलवे बीते कुछ समय से कोरोना संक्रमण के कारण यात्रियों से एसी स्लीपर बोगियों के साथ जनरल बोगी में भी टिकट का आरक्षण करवा रहा था, जिसके कारण टिकट की दरों में तो बढ़ोतरी हो ही गई थी, साथ ही रोजाना सफर करने वाले यात्रियों के बार बार टिकट बुक कराना भी परेशानी का सबब बना हुआ था। लेकिन अब रेलवे ने इन्हीं यात्रियों को बड़ी राहत दी है और स्थिति में सुधार करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत रेलवे ने कुछ ट्रेनों में फिर से अनारक्षित कोच की सुविधा शुरू कर दी है। पूर्व मध्य रेल क्षेत्राधिकार में विभिन्न स्टेशनों के बीच चलाई जा रही 13 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों में साधारण श्रेणी के आरक्षित रहने वाले कुछ डिब्बों को 26 अक्टूबर से अनारक्षित कोच के रूप में चलाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत जिन गाड़ियों में अब आपको यह सुविधा मिलने वाली है उसमें गाड़ी संख्या 02567 02568 सहरसा पटना सहरसा राजरानी स्पेशल के D15 D16 और D17, गाड़ी संख्या 03205 03206 सहरसा पाटलिपुत्र सहरसा एक्सप्रेस स्पेशल के D3 D4 और D5, गाड़ी संख्या के D3 D4 और D5 में गाड़ी संख्या 03653 03654 जयनगर दानापुर जयनगर स्पेशल के D7 D8 और D9 में गाड़ी संख्या 03227 03228 सहरसा राजेंद्र नगर सहरसा स्पेशल के D15 D16 और D17 में गाड़ी संख्या 03233 और 03234 राजगीर दानापुर राजगीर स्पेशल के D16 D17 D18 और D19 में गाड़ी संख्या 03243 03244 पटना भभुआ रोड पटना स्पेशल के D19 D20 D21 और D22 में गाड़ी संख्या 03249 03250 पटना भभुआ रोड पटना स्पेशल के D11 D12 और D13 में गाड़ी संख्या 03305 03306 धनबाद डेहरी ऑनसोन धनबाद स्पेशल के D13 D14 D15 और D16 में गाड़ी संख्या 03329 03330 धनबाद पटना धनबाद फेस्टिवल स्पेशल के D4 D5 और D6 में गाड़ी संख्या 03347 03348 पटना बरकाकाना पटना स्पेशल के D2 D3 और D4 में गाड़ी संख्या 03349 03350 पटना सिंगरौली पटना स्पेशल के D2 D3 D4 में गाड़ी संख्या 05549 05550 जयनगर पटना जयनगर स्पेशल के D7 D8 और D9 में गाड़ी संख्या 03331 03332 धनबाद पटना धनबाद इंटरसिटी स्पेशल में D4 D5 और D6 अनारक्षित श्रेणी के होंगे, जो कि अलग अलग तारीखों से प्रभावी हो जाएंगे, जिससे यकीनन यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी, साथ ही लोगों पर महंगाई के इस दौर में बोझ कम होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये जानकारी पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने दी है। उन्होंने इसके साथ ही पूर्व मध्य रेल के यात्रियों से अनुरोध किया है कि यात्रा के दौरान कोविड रोकथाम के लिए सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देश का पालन जरूर किया जाए। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।